अच्छा यहाँ पे एक और मैं बात करूँ कि उनको पब्लिक अपॉलॉजी चाहिए, तो मेरा यहाँ पे एक क्वेश्चन है, ठीक है, इस बंदी से भी और मेकर से भी, सबसे, आप सबसे, आप मुझे जरूर बताओ, ठीक है, कि क्या मुनव्वर फारूकी ने इस बंदी को आई लव यू या आप शादी के काबिल हो किसी शो में बोला था, पब्लिक में बोला था, कहाँ, किसी सोशल मीडिया के फोरम पे बोला था, क्या इसके लिए कोई ट्वीट किया था, क्या इसके लिए कोई पोस्ट किया था, क्या ऐसा कुछ हुआ था? जब एक चीज आपकी पर्सनल में हुई थी तो आप उसको पब्लिक में ऑन व्हाट बेसिस लेकर आ रहे हो? ऑन व्हाट बेसिस? क्या एविडेंस है आपके पास कि मुनव्वर ने आपको ऐसा बोला था? क्या आपके पास कोई एविडेंस है? क्या क्या मेकर को कल को कोई कुछ भी बोलेगा आके तो आप उसको ले लोगे? मैं बोलती हूँ भाई, मुझे विक्की भैया है ना, उन्होंने मुझे वादा किया था कि वो अपनी जो कंपनी है ना उसमें मैनेजिंग डायरेक्टर बनाएंगे, तो विक्की भैया ने ना झूठ बोला, मुझे पब्लिकली जो है ना वो अपॉलॉजी चाहिए, विकी भैया मुझे जो है ना वो मुझसे माफी मांगो, तुमने जो है ना कहा था कि अपनी कंपनी में मुझे मैनेजिंग डायरेक्टर बनाओगे, मतलब क्या, मतलब कुछ भी, मतलब कुछ भी। तो भाई ये बात तो मैं पहले ही कर चुकी हूँ कि आयशा खान जो है वो बिग बॉस शो में एज अ वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट एंट्री ले रही है, ओके, और प्रोमो जो दिखाया गया है वो इस तरह का दिखाया गया है कि आयशा खान बाल छटक रही है और यू नो लाइक वो कह रही कि उसे पब्लिक अपॉलॉजी चाहिए, क्योंकि मुनव्वर ने उसे ये कहा था कि जो है ना आप जैसी लड़कियां जो है ना वो शादी के काबिल होती है, शायद उसने कुछ गलत कह दिया था, शायद मतलब उनको ये चीज़ पसंद नहीं आई कि अगर आप किसी को बोलो कि भाई आप शादी के काबिल हैं तो शायद ये चीज़ उनको पसंद नहीं आई, और शायद क्योंकि मुझे समझ में नहीं आई कि इस स्टेटमेंट में प्रॉब्लम क्या है कि अगर कोई किसी को बोलता है यू नो आप शादी के काबिल हो। अब क्या है ना कि यहाँ पे बड़ी ही डिसअपॉइंटमेंट वाली सिचुएशन है, वो सिचुएशन इसलिए है कि इस तरह से बाहर से कोई भी कुछ भी बैठ के बोलेगा किसी के बारे में भी, किसी भी फेमस पर्सनालिटी के बारे में, और उस बंदे को आप अंदर ले आओगे जस्ट फॉर टीआरपी, जस्ट फॉर टीआरपी। आप एक फेमस पर्सनालिटी है मुनव्वर फारूकी, आप उसके ऊपर एक जैसे कहते हैं एलिगेशन लगाने वाली बंदी जो बाहर बैठ के एलिगेशन लगा रही है, आप उसको 2 दिन के अंदर ले आए, ये बहुत ही फिशी है कि एक कहीं से भी पॉपअप हो रही है एक बंदी और 2-3 दिन के अंदर वो जो है वो शो में एंट्री ले रही है। इस तरह तो पहले भी बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी किसी न किसी के बारे में बात की, तो उनको अंदर क्यों नहीं लेके जाया गया? और ये बहुत ही चीप स्ट्रेटेजी है। मैं यहाँ पे यही कहूंगी कि आप एक पैटर्न बना रहे हो, एक ट्रेंड सेट कर रहे हो कि आप अंदर बैठे हुए बंदे को के बारे में जो है ना आप कोई भी स्टेटमेंट दीजिए, कुछ भी ऐसी कॉन्ट्रोवर्शियल बातें करिए और उसके बाद आप अंदर जो है ना वो एंट्री ले सकते हैं। और टाइम था जब एक स्टैंडर्ड था शो का और हर कोई एंट्री नहीं ले सकता था, इट वाज वेरी डिफिकल्ट कि आप वहां तक जाओ, क्योंकि ये एक ऐसा शो है जो नेशनल टेलीविजन पर आता है ये शो, ठीक है, और इसको देखने वाले जो है ना ऑडियंस वो दुनिया भर से है, तो उसमें आप ऐसी एक एग्जांपल सेट कर रहे हो। और फुकरा इंसान ने मुनव्वर फारूकी की सपोर्ट में एक ट्वीट भी किया है कि सबसे वर्स्ट जो है ना वो एक चीज ये होती है कि जब आप किसी की पर्सनल लाइफ को एक शो में लाके उसको टारगेट करोगे, वर्ड्स को ट्विस्ट करोगे, जैसे कि आपको याद है कि फुकरा इंसान की जो उनकी मदर के साथ कॉन्वर्जेशन थी उनके वर्ड्स को ट्विस्ट करके उनके उनकी गेम को शेक करने के लिए दिखाया गया। कोई भी आएगा कुछ भी बोलेगा यार आप उसको ले लोगे शो में, इतना हल्का क्राइटेरिया, वेरी सैड, यू नो, वेरी सैड एंड वेरी बैड। एंड आई यू नो लाइक आई एम नॉट शॉक्ड बिकॉज जिस तरह से शो में चीजें हो रही है, आई एम नॉट शॉक्ड, चीजें बहुत ही अजीब तरीके से हो रही है। तो यहाँ पे आपका क्या कहना है, इतनी जबरदस्त, इतनी धमाकेदार वाइल्ड कार्ड एंट्री जो इनको लगता है, अब देख लेते हैं कि टीआरपी कितनी ऊपर चले जाती है, इसके बाद हम ये भी देख लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो, अगर आप हो मुनव्वर के फैन तो आपने वो वीडियो जरूर देखनी है कि मुनव्वर को शो से निकालने के बाद स्टोरी में क्या फर्क आएगा, और वो वीडियो आपने जरूर देखनी है, वेट करना है उस वीडियो का। तब तक के लिए बाय बाय।